हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। एंड टुडे आई एम गोइंग टीच यू अबाउट यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को यानी कि ये आपका पार्ट 5। आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्टूडेंट आपके सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट जिनका हम ग्रामिकल मिस्टेक में इनका हम यूज़ करते हैं, कई बार स्टूडेंट इनमें मिस्टेक कर देता है। तो मैं आपके जो मेन जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं उनका मैंने यहाँ पर आपको यूज़ करके बताया, और उस सीरीज में आपका ये आपका स्टूडेंट्स पार्ट आपका 5। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट किया करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मान लें, तो प्लीज़ उस डाउट को आप मुझे बताएं ताकि मैं आपकी डाउट को, जो भी आपकी क्वेरी है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट है आपका आज का एडजेक्टिव कि यूज ऑफ एज एंड सो डॉट डॉट एज। यहाँ बताया गया कि स्टूडेंट एज डॉट डॉट एज का यूज तुलनात्मक यानी कंपेयर वाक्यों में सिमिलरिटी यानी समानता, लाइकनेस यानी एक तरह जैसे दिखने हेतु इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका सो डॉट डॉट एज का यूज ऐसे वाक्यों में अनलाइकनेस, डिसिमिलरिटी यानी नेगेटिव वाक्य व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट बात करें हम एज डॉट डॉट एज की, तो ये आपका यूज किया जाता है फॉर कंपेयर यानी किन्हीं किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपेयर की जाती है, यानी उसमें समानता दिखाई जाती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, या एक जैसी समानता होती है, वहाँ पर हम एज डॉट डॉट एज का यूज़ करते हैं। और सो डॉट डॉट एज का यूज़ करते हैं स्टूडेंट फॉर हम नेगेटिव सेंस में, यानी इनमें कोई भी समानता नहीं होती, कोई भी सिमिलरिटी आपकी नहीं होती है। जैसे यहाँ बताया गया कि ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, तो यहाँ स्टूडेंट आपका एज और एज यूज़ किया गया। मैंने बताया था अभी आपको कि हम एज डॉट डॉट एज का यूज़ करते हैं फॉर सिमिलरिटी यानी कि एक समानता दिखाने के लिए। तो यहाँ बताया कि ही इज़ यानी कि वो है, एज माने जैसे इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, जैसे कि हिज ब्रदर, तो यहाँ स्टूडेंट क्या उसकी समानता दिखाई गई, यानी उसकी समानता उसके भाई से बताई गई यानी हिज ब्रदर। तो यहाँ पर एज इंटेलिजेंट एज, तो यहाँ स्टूडेंट ये आपकी क्या है सिमिलरिटी दिखा रहा है, समानता दिखा रहा है यानी लाइकनेस दिखा रहा है, तो हम एज डॉट डॉट एज का यूज़ करते हैं फॉर सिमिलरिटी के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल में आपका बताया है कि दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, यानी कि ये जो आपकी शर्ट है एज गुड एज कैसी है, मेरी जैसी है। लेकिन यहाँ आपका नेक्स्ट आपका ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, यानी कि वो कैसा है सो एज। तो स्टूडेंट यहाँ हमने नॉट का यूज़ किया है, यानी ये आपका यूज़ किया है फॉर नेगेटिव सेंस में, यानी कि सो और डॉट डॉट एस का यूज़ करते हैं हम फॉर नेगेटिव, यानी यहाँ कोई भी आपकी सिमिलरिटी नहीं दिखाई, जैसे ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट यानी कि वो इतना विद्वान नहीं है जितना कि उसका भाई, तो यहाँ कोई समानता की तो बात की नहीं जा रही स्टूडेंट। तो यहाँ बताया गया है कि सो डॉट डॉट एस का यूज़ करते हैं फॉर हम नेगेटिव सेंस में। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस शर्ट इज़ नॉट सो गुड एज मैन, यानी कि ये जो आपकी शर्ट है ये बिल्कुल भी मेरे जैसी नहीं है, तो यहाँ इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जब हम एज डॉट डॉट एज का यूज़ करते हैं फॉर सिमिलरिटी यानी एक समानता दिखाने के लिए इन अफर्मेटिव सेंस में, या नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं आपका शॉर्ट डॉट डॉट एज का स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एनोदर अदर एनी अदर, अगर हम बात करें स्टूडेंट कि हम एनोदर का यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट आप सिंगुलर नाउन के साथ, अदर होता है आपका प्लूरल नाउन के लिए और एनी अदर होता है सिंगुलर एवं प्लूरल नाउन, ये आपके नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है एनी अदर। एनोदर होता है कोई और अदर होता है अलग से। जैसे यहाँ बताया गया ही हैज़ वॉट अदर बुक्स, यानी ही हैज़ यानी कि उसने बुक खरीदी है, तो यहाँ बुक ये क्या स्टूडेंट आपका सिंगुलर नाउन यूज़ किया गया हमने यहाँ पर, वर्ब भी आपकी यहाँ पर सिंगुलर यूज़ की गई है और वर्ब भी ये भी आपकी, तो यहाँ ये एनोदर यूज़ किया है यानी इसके अलावा, एनोदर यूज़ किया था स्टूडेंट के अलावा के सेंस में आपका, तो ही हैज़ बॉट एनोदर बुक यानी उसने इसके अलावा एक और बुक खरीदी है। ही हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेज यानी इसके अलावा, ही हैज़ विजिटेड अदर प्लेसेज यानी इसके अलावा इसने और प्लेस को
देखा है। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर प्लूरल सेंस में, और आपका एनोदर यूज़ किया जाता है स्टूडेंट फॉर सिंगुलर सेंस में। जब हम बात करते हैं यहाँ पर ही हैवंट एनी अदर, यहाँ एनी अदर यूज़ किया गया है स्टूडेंट कि उसने कोई भी स्थान को यानी किसी भी प्लेस को उसने नहीं देखा है, तो यहाँ ये यूज़ किया गया स्टूडेंट आपका फॉर नेगेटिव सेंस में। यहाँ यूज़ किया गया आपका ये सिंगुलर नाउन, और यहाँ दे हैवंट विजिट एनी अदर प्लेसेस, तो यहाँ स्टूडेंट आपका यूज़ किया गया ये आपका प्लूरल के सेंस में। और यहाँ देखो आपका सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल है, यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वर्ब यूज़ किए है। तो स्टूडेंट आप समझ गए हो कि एनोदर और अदर का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। एनी अदर आपका नेगेटिव सेंस में आता है, और अदर आपका सिंगुलर नाउन के लिए, और अदर आपका प्लूरल नाउन के लिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट आपका कि फर्स्ट फॉरमोस्ट इनका यूज़ हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, कि जो आपका फर्स्ट होता है फर्स्ट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम ऑर्डर के लिए, यानी कि फर्स्ट यानी कहीं बात करते हैं हम किसी के फर्स्ट आने की, यानी कि हम ऑर्डर की बात करते हैं, क्रम की बात करते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करोगे फर्स्ट का। जबकि हम फॉरमोस्ट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट फॉर मीन्स इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, ठीक है। जैसे हम बताया गया कि सुरेंद्र वॉज द फर्स्ट टू अराइव एवर, यानी कि सुरेंद्र नाम की कोई नाउन स्टूडेंट वॉज द फर्स्ट, तो यहाँ ऑर्डर की बात कर रहा है स्टूडेंट, ये आपका नंबर यूज़ किया है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ आर्टिकल द का यूज़ किया है। तो यहाँ बताया कि सुरेंद्र वॉज द फर्स्ट टू अराइव, यानी कि सुरेंद्र नाम का कोई लड़का है जो यहाँ पर पहले आया है, तो यानी कि जो सुरेंद्र आया उसके बाद और भी बच्चे आए होंगे आपके स्टूडेंट, तो इसी क्रम में ये आपकी क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है यहाँ पर ऑर्डर, यानी कि ये आपका फर्स्ट आया है। नेक्स्ट बताया कि नरेंद्र मोदी वॉज या इज इन द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं ये अगर हम वॉज यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट कुछ समय बाद यूज़ करेंगे तो हम वॉज यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने समय के क्या है एक अच्छे राजनीतिक थे, और ऐसे अगर हम इज हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं कि वो अभी इस टाइम अपने समय के राजनीतिक हैं स्टूडेंट। तो फॉरमोस्ट ये यूज़ किया था मीन्स इम्पोर्टेंट के लिए, यानी कि महत्वपूर्ण के लिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका वर्बल एंड ओरल, ये तो आप कई बार आपने सुना होगा कि वर्बल है या ओरल है, तो स्टूडेंट वर्बल एंड ओरल को हम एक समान ही यूज़ करते हैं, लेकिन ओरल मीन्स होता है जबानी, यानी मुँह से बोलकर जो बोलते हैं ना ओरल, कोई भी इस चीज़ को ओरल याद कर सकता है। और वर्बल होता है स्टूडेंट आपका शाब्दिक, यानी कि मुँह से बोल कर जो वर्ड निकलते हैं वो होते हैं आपके स्टूडेंट वर्बल। जैसे यहाँ बताया गया है कि ए वर्बल पिक्चर एंड ओरल मैसेज, यानी कि जो आपकी जो शाब्द ये जो वर्बल क्या होता है शाब्दिक, जो कोई मान लो कोई पिक्चर है और जिसमें शब्द लिखे हुए हैं, तो वो क्या आपके स्टूडेंट एक मुँह जबानी एक संदेश दिया गया है, यानी कि अगर हम कोई भी मान लीजिए अगर हम कोई भी जिस तरीके से हमने यहाँ नोट्स लिखे हैं अपनी बुक्स में, तो अगर ये लिखे हुए हैं तो स्टूडेंट क्या है ये एक तरीके से हमको एक जवानी मतलब मुंह से बोले हुए एक शब्दों की हमें एक मैसेज की हमें बात करें, यानी कि वर्बल पिक्चर एंड ओरल मैसेज, यानी कि जो शब्द लिखे हुए हैं वो किसी की हमें यहाँ पर जवानी बताते हैं, यानी किसी के मुंह बोले शब्द हैं वो। जैसे हम बताया कि देयर इज वर्बल सिमिलरिटी इन दिस एजेस, यानी कि ये जो आपके ये जो सिमिलरिटी मीन्स क्या होता है इसमें समानता, दिस ये जो आपके निबंध लिखे हुए हैं इनमें क्या है इनमें शब्दों की यानी एक जैसे वर्ड लिखे गए हैं दोनों में, तो ये बता रहा है सिमिलरिटी सेम है। ही इन्फॉर्म मी ऑर्डली अबाउट हिज ऑब्सेंस, यानी कि वो आज नहीं आएगा यानी अब्सेंट रहेगा, तो उसने क्या किया स्टूडेंट उसने मुझको जवानी यानी मुँह से बोल के बता दिया कि मैं भाई नहीं आऊँगा, तो ये आपका ऑर्डली यूज़ किया गया स्टूडेंट फॉर जवानी यानी मुँह से बोलने के लिए, और वर्बल यूज़ किया गया स्टूडेंट आपका फॉर राइटिंग यानी शब्दों के। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट ड्यू टू एंड ऑविंग टू, यानी ड्यू टू हम कब यूज़ करेंगे और ऑविंग टू का हम यूज़ कब करते हैं स्टूडेंट, कि ड्यू टू का बताया कि रिजल्ट ऑफ कारण, यानी कि ये एक स्टूडेंट आपका एक प्रपोजिशन होता है, ये हमारा एक प्रपोजिशन होता है स्टूडेंट आपका ड्यू टू, और ऑविंग टू होता है बिकॉज यानी इस कारण। ड्यू टू हो गया स्टूडेंट के कारण से, यानी इसका क्या है ये आपका रिजल्ट बताता है कि किसी वजह से हुआ ऐसा, लेकिन ओविंग टू ये आपका स्टूडेंट कारण बताता है, बता दे कारण है लेकिन उसमें रिजल्ट का कारण होता है इसमें अलग कारण होता है। जैसे ड्यू टू का यूज़ हम करते हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद होता है ड्यू टू का यूज़, जो आप अगर हम कहीं भी ड्यू टू का यूज़ करते हैं स्टूडेंट तो ड्यू टू आता है आपका सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका, लेकिन ओविंग टू हम सब्जेक्ट के शुरू में यूज़ करते हैं। जैसे हम बताया गया
कि दिस एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेस। तो यहाँ बताया गया स्टूडेंट कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट यूज किया गया एक्सीडेंट, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ ड्यू टू यूज़ किया स्टूडेंट, उसके बाद केयरलेस। तो यहाँ रेल्ट क्या निकला स्टूडेंट, यह बता रहा है हमें कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, यानी कि केयरलेस, यानी कि उसने लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ ड्यू टू बताता है हमें के कारण, यानी ये वजह रही होगी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो वहाँ हम ड्यू टू का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जैसे ही फेल टू हिज, ही फेल ड्यू टू हिज नेगलेंस, यानी कि वो अपनी नकारात्मक सोच की वजह से फेल हो गया। तो स्टूडेंट वो फेल क्यों हुआ, अपनी जो नेगेटिव सेंस था उसके दिमाग में, सोचने में गलत विचार थे, उनकी वजह से वो फेल हुआ। तो उसने पहले क्या, तो ये कारण क्या था उसके, नेगेटिव सोच। तो यहाँ बताया कि ओविंग टू, तो ओविंग टू स्टूडेंट हम सब्जेक्ट के शुरुआत में यूज़ करते हैं, से ओविंग टू हिज नेगलेंसी ही फेल्ड, यानी कि वह उसने क्या किया कि वो गलत सोचता था, इस वजह से वो फेल हो गया। तो स्टूडेंट पहले उसने गलत सोचा, उसके बाद फेल हुआ, यानी कि किसके कारण सोचने से, कि वो गलत सोचता था, इस वजह से वो फेल हो गया, यानी उसकी नेगेटिव थिंकिंग थी इस तरीके से। तो ओविंग टू केयरलेस देयर वॉज एक्सीडेंट। तो यहाँ पहले क्या हुआ स्टूडेंट, वहाँ पर पहले एक्सीडेंट हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, केयरलेस की, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, केयरलेस की वजह से वॉज एक्सीडेंट। यहाँ पहले केयरलेस हुआ है, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट हुआ किस वजह से, केयरलेस। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि रेल्ट के कारण जो आता है वहाँ ड्यू टू लगाते हैं, अगर हम बिकॉज ऑफ किसी चीज़ का कारण पता चलता है तो हम ओविंग टू, और ड्यू टू स्टूडेंट आपको हम बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं, और ओविंग टू का यूज़ स्टूडेंट हम सब्जेक्ट के शुरू में कर लेते हैं। बात की गई स्टूडेंट आपकी गुड वर्सेस आपका वेल, कहीं आपसे पूछा जाता है गुड हम कहाँ यूज़ करते हैं और हम वेल कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ बताया गया कि इन बोथ कैजुअल स्पीच एंड फॉर्मल राइटिंग वी फ्रीक्वेंसली हैव टू चूज बिटवीन द ऑब्जेक्ट गुड एंड वेल एज एडवर्ब विद मोस्ट वर्ब देयर इज नो कॉन्टेस्ट विद मॉडिफाइंग एडवर्ब यूज द एडवर्ब। तो यहाँ बताया गया स्टूडेंट जब हम दोनों को एक साथ, जैसे कि हम बोलचाल में भी या फॉर्मली हम जो राइटिंग करते हैं उसमें भी हम आपका गुड और वेल को हम एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन हम बात आती है हैव टू चूज बिटवीन, इनके बीच में एडजेक्टिव, तो गुड और वेल स्टूडेंट इन एडवर्ब हम यूज़ करते हैं, तो विद मोस्ट वर्ब, यानी कि हम वर्ब के साथ यूज़ करते हैं वेल को, देर इज़ नो कॉन्स, इनके बीच में कोई भी समानता नहीं है, विद मॉडिफाइंग इनको बताने के लिए कि वर्ब यूज द एडवर्ब, यानी कि हम वर्ब को किस तरीके से हम एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट आपका जो गुड होता है ये तो आपका एडजेक्टिव होता ही है, लेकिन वेल आपकी क्या है, वर्ब भी होती है आपकी और मॉडल वर्ब होती है आपकी, और इसका हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इनका वो यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ बताया गया कि ही स्विम्स वेल, तो वो यहाँ बताया गया स्टूडेंट कि वो कैसा तैरता है, तो ये आपकी उसकी एक रूटीन के बारे में बताया गया, यह वो एक अच्छा तैराक है, तो यहाँ हमने इसलिए वेल का यूज़ कर लिया स्टूडेंट। ही नोज ओनली टू वेल हु द मर्डर इज, हाउएवर और वाट एवर यूजिंग ए लिंकिंग वर्ब और ए वर्ब दैट हैज़ टू डू विद फाइव ह्यूमन सेंस यू वॉन्ट टू यूज द ऑब्जेक्ट इन सेट। तो स्टूडेंट हम वेल को एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज उसको हम एज वर्ब भी यूज़ कर सकते हो आप, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट में, गुड को हम एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं और वेल को आप वर्ब भी यूज़ कर सकते हो, एज एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ बताया गया बैड वर्सेज बैडली, कहीं बात आती है, ये तो आपके एग्जाम नहीं आते, फिर मैं आपको नॉलेजेबल दे रहा हूँ, आज की वीडियो का आपका यही टॉपिक रहेगा लास्ट, बैड वर्सेज आपका बैडली, वैन योर पपी, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट कि मान लीजिए आपका एक कुत्ता है और पपी डैड, यानी वो कुत्ता मर गया, एज एम यू लव फ्रॉम योर पपी, यानी तुम अपने कुत्ते को इस तरीके से प्यार करते हो, उसको फैमिली मेम्बर मानते हो एक तरीके से, डिड यू फेल बैड, यानी कि तुम क्या करोगे, तुम महसूस करोगे, यानी तुम बुरा मानोगे या तुम बुरी तरीके से बुरे हो जाओगे, यानी तो अप्लाइंग इन द सेम रूल दैट अप्लाइंग द गुड एंड वर्सेज, जैसे हमने बात की थी स्टूडेंट की गुड और हम बैल की, तो गुड क्या था हमें, ये आपकी फीलिंग्स पे होता है, यूज़ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वर्ब दैट हैव टू डू विद ह्यूमन फीलिंग्स, ये जो आपकी जी ये जो आपका बैड बनाम वर्सेज है आपका, या फिर हम बात करें गुड एंड वर्सेज आपका वेल है, तो स्टूडेंट ये आपके ह्यूमन जो आपका मानव होता है उसकी फीलिंग्स होती हैं, यू फेल्ट बैड, जब आप कुत्ता मर जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, इफ़ यू सैड यू फेल्ट बैड, और तुम कहते हो भाई मुझे बुरा लग रहा है, तो वो आपका बैडली है स्टूडेंट। जैसे आप कहो कि मुझे तैरना अच्छा लगता है, तो आपको गुड है, लेकिन आप उसको फील कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, उसको फीलिंग्स आ रही है, तो वो स्टूडेंट आपका वेल हो जाएगा वहाँ पे। ऐसे जब हम कह रहे हैं यू फेल्ट, जब तुम बुरा लग रहा है तो वो वेड है, भाई तुम्हारा कुत्ता मर गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो किसी से कि भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है,
तो यहाँ पर आपका वैडली सेंस में यूज़ किया जाएगा, इट वुड मीन दैट समटाइम्स वी रॉन्ग विथ योर फैकल्टीज विथ फीलिंग्स, यानी कि ये बात की गई स्टूडेंट आपकी फीलिंग्स के बारे में, कि मान लो अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे मुझे अच्छा लगता है, जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमको क्या है गुड अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम किसी से बोलें कि भाई मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वो आपके एक बैल हो गए। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके ये मेरा पेन है और ये क्या है स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है मान लो ये पेन, तो ये गुड है और मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कहूँ भाई ये मेरा पेन टूट गया तो मुझे क्या है ये बैड लग रहा है, मुझे बुरा लगेगा भाई मेरा पेन टूट गया, लेकिन अगर मैं किसी से बोलता हूँ भाई मुझे बुरा लग रहा है तो वहाँ जो सेंस होगा स्टूडेंट वो मेरी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हुआ और वो आपका बैड ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को रखते हैं हम यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।